गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8, चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड। रिवीजन इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे जो है फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे एनिमी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। वायरसेस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वायरसेस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े डिफरेंट होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड, वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली इनसाइड द होस्ट सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मैनी इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट ऑफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ, और बहुत सारे कफ जो होते हैं वो किससे क्योज होते हैं, वायरस से क्योज होते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कहा जाता है बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ। द मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फंजाई एंड एल्गी। जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो होते हैं फंजाई और एल्गी। द मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंट। जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो किसी भी टाइप के एनवायरमेंट में रह सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज होता है वो बहुत सारे पर्पस में होता है। दे आर यूज इन अपी इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड। उनका जो यूज होता है वो ब्रेड और कर्ड की प्रिपरेशन में होता है। दे आर आल्सो यूज एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेस, ये सब होते हैं, आर ब्रेक डाउन इंटू हार्मलेस एंड यूजेबल सबस्टेंस बाय बैक्टीरिया। ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और कर्ड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड एंड ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे जो यीस्ट होती है उसमें जो यीस्ट डाली जाती है वो क्या करती है, वो जो केक होता है उसको फुलाने के काम में आती है। ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ऐसे ही लैक्टोबेसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दही को, दूध को कन्वर्ट कर देता है दही में, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबेसिलस के अंदर कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये है ना, इस तरीके से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे डेली बेसिस में यूज में आते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका यूज होता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड को बनाने में इनका यूज होता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर बैक्टीरिया और यीस्ट का जो यूज होता है वो फर्मेंटेशन, राइस के फर्मेंटेशन और डोसा बैटर में भी इसका यूज होता है, बिकॉज फर्मेंटेशन के लिए जो यीस्ट बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इनका कॉमर्शियल यूज देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज कैसे होता है।
देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन एसिटिक एसिड फॉर द लार्ज स्केल ऑफ यूज ऑफ यीस्ट. यीस्ट का यूज जो होता है कॉमर्शियल यूज में भी होता है वाइन एल्कोहल बनाने में. मेडिसिन में मेडिसिनल क्या यूज होता है इसका. मेडिसिनल इनका क्या क्या यूज होता है. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका यूज होता है टू मेक मेडिसिंस बनाने में. ये जो मेडिसिन होती है क्या करती है स्टॉप कर देती है या मार देती है ग्रोथ ऑफ द डिजीज क्योजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो डिजीज क्योजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं. ठीक है देखो लुईस पाश्चर जो है उन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था इन 1857 में. 1857 में लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था. ये इंपॉर्टेंट है. आगे बात करेंगे वैक्सीन की. वैक्सीन जो होती है एक डिजीज कैरिंग माइक्रोब जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उससे फाइट करने के लिए. द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ एंटर अगेन. मतलब दोबारा अगर वो वापस से आता है तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि किस तरीके से उससे फाइट करना है. तो उसके लिए ही वैक्सीन लगाई जाती है. वैक्सीन होती है पोलियो की और अदर काफ़ी सारी डिजीज होती है जिनके लिए वैक्सीन बनाई जाती है. तो जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा डिजीज क्योजिंग फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिप्रोड्यूस करती है. जब वो रिप्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी तो वो जो भी हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है वो क्या होता है मर जाता है. और जब वो मर जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी को रिमेम्बर होता है कि ये पहले भी आया था. और अब दोबारा जब वो आता है तो उसको मारने के लिए वो पूरी तरीके से रेडी रहता है और फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है. तो इस तरीके से जो वैक्सीन होती है वो वर्क करती है. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798. जो एडवर्ड जेनर होता है उसने डिस्कवर की थी स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन 1798 में. ठीक है आगे देखेंगे इसके कुछ और यूजेस. ये क्या करता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एनवायरनमेंट में एक फ्रेंडली भूमिका निभा रहे थे. अब हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारे तरीकों से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. ये क्या करते हैं डिजीज क्योज करते हैं. और जो डिजीज क्योजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहा जाता है पैथोजन. पैथोजन की डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज क्योज करते हैं उन्हें कहा जाता है पैथोजन. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्पॉइल कर देते हैं फूड को क्लोथिंग को और लेदर को. ये क्या करते हैं इनको स्पॉइल कर देते हैं. डिजीज क्योजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के अंदर ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज क्योज करते हैं. ठीक है फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे. अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है. कई बार क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है उसके ऊपर हम देखते हैं कि एक व्हाइट कलर की जो फंजाई होती है वो लग जाती है. फूड पॉइजनिंग जो होती है उसका मेन क्या होता है. फूड जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको स्पॉइल कर देते हैं. फूड पॉइजनिंग का मेन रीजन है कि फूड के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है तो वो क्या है उसको खाने लायक नहीं छोड़ते. वो क्या बनता है पॉइजन बन जाता है हमारी बॉडी के लिए. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं
उनके ऊपर ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं और ये टॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं जो फूड को पॉइजन बना देते हैं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, इसलिए हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अब आगे हम फूड प्रिजर्वेशन को देखेंगे कि फूड को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जा सके, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फूड के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड स्पॉइल, और इसको क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, स्पॉइल फूड आइटम एमिट बैड स्मेल, बैड टेस्ट, और क्या कर देते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हाउ डू, हम किस तरीके से घर पे अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फूड प्रिजर्व जो होता है उसके लिए हम उसमें शुगर डालेंगे, जैसे मैंगो का पिकल है उसको खराब होने से बचाने के लिए हम उसमें शुगर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट का कंजम्पशन करेंगे, तो इस तरीके से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब इसका केमिकल मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड में क्या है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज किया जाता है और इस तरीके से उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब देखेंगे इसका प्रिजर्वेशन एक तो सॉल्ट के थ्रू होता है, शुगर के थ्रू होता है, ऑयल और विनेगर डालते हैं, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, मिल्क होता है, जैसे मिल्क होता है उसको हीट किया जाता है पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर, देन 50 टू 30 सेकेंड उसको रखा जाता है और देन उसको ठंडा करके उसको स्टोर किया जाता है। दिस प्रोसेस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, ये क्या करती है, रोक देती है माइक्रोब की ग्रोथ को। दिस प्रोसेस वाज कॉन्सेप्टुलाइज्ड बाय लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने इसको क्या है, कॉन्सेप्टुलाइज किया था, therefore it known as the pasteurization, इसको बोलते हैं pasteurization, storage and packing, फिर क्या है, मिल्क का स्टोरेज होता है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है, तो इस तरीके से मिल्क जो है उसका pasteurization होता है ताकि वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक चल सके और खराब ना हो। आगे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपकी साइंस की बुक में एक टेबल दी हुई है, आपको उस टेबल को पढ़ना है और सारी जो भी डिजीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन को याद रखना है। ऐसे ह्यूमन डिजीज में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और उनसे कौन कौन सी डिजीज क्योज होती है, वो आपको पूरी टेबल पढ़नी है, उस टेबल को अच्छे से लर्न करना है। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब वो टेबल बनवाई थी, उस टेबल को अच्छे से लर्न करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड को कन्वर्ट, जो कि सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। बैक्टीरिया फिक्स टर्न नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, फिर बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में आती है, ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ जाती है और जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर देती है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अब सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन के कंपाउंड जाते हैं। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, फिर बैक्टीरिया उसको वापस गैसेस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं और वो वापस से एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में चली जाती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की एक साइकिल हमारी एनवायरनमेंट में चलती है जिसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये साइकिल आपको अच्छे से ड्रॉ करके लर्न करनी है आगे नेक्स्ट क्लास में, आगे थर्ड चैप्टर का रिविजन करके।